हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है आपका चैप्टर 5 मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसमें आज हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम देखेंगे। एवरी कम्युनिकेशन सिस्टम हैज 3 बेसिक कंपोनेंट्स। Those are essential to complete the process of electronic communication. तो हर एक सिस्टम में हम सबसे पहले उसकी ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट उस सिस्टम के ब्लॉक्स होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इस भी कम्युनिकेशन सिस्टम में 3 बेसिक ब्लॉक्स है, जो है ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन मीडियम और चैनल एंड रिसीवर। It also includes an unwanted component which is generated either internally or picked up externally by the system, known as noise. तो इन तीनों components के अलावा इसमें noise भी होता है। तो noise either components create करते हैं, या फिर जो भी हमें signal मिल रहा है उससे noise create होता है, या फिर जो प्रोसेस होता है सिग्नल और बाद में हम आगे भेज रहे हैं उससे भी नॉइज क्रिएट हो सकता है। इन मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स द इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इट मे बी मैसेज, वॉइस, पिक्चर सिग्नल, बाइनरी कोड, डॉक्यूमेंट डाटा एक्सेट्रा, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज वेरिएशन। तो जो भी इनपुट इस सिस्टम को आता है उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन। जो इनपुट सिग्नल है ट्रांसमीटर का उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन, जो कि वॉइस मैसेज होगा या फिर पिक्चर सिग्नल, बाइनरी कोड, डॉक्यूमेंट, किसी भी टाइप का वो इनपुट हो सकता है। और वो जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज वेरिएशन होता है। तो ये है कम्युनिकेशन सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम, जिसमें सबसे पहले आप मिडल में जो ये 3 ब्लॉक्स देख रहे हैं ये इसके इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स है, जो है ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। ट्रांसमीटर को जो भी मैसेज यानी कि सिग्नल जो आ रहा है वही अभी हमने पढ़ा कि वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और यहाँ से जो भी यहाँ पे प्रोसेस होता है फिर वो रिसीवर को जाता है, यानी कि वो हमें आउटपुट में मिल रहा है, हमें वो सिग्नल फिर से मिलता है। और ये नॉइज है, जो कि अनवांटेड कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी भी प्रोसेस में क्रिएट होते हैं। प्रैक्टिकली दिस सिग्नल इज जनरेटेड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और डिवाइस लाइक माइक्रोफोन, व्हिच कन्वर्ट्स साउंड वाइब्रेशंस इनटू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस, नोन एज ऑडियो सिग्नल। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है माइक्रोफोन का। तो माइक्रोफोन में क्या होता है, जो भी हम साउंड वाइब्रेशंस दे रहे हैं उसे वो इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे हम बोलते हैं ऑडियो सिग्नल। तो इस तरह से इन सिग्नल को नाम दिए जाते हैं। इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू सेंड इंफॉर्मेशन डायरेक्टली एज वेल एज टू रिसीव इट डायरेक्टली। तो अभी जब कम्युनिकेशन हमें एक नजदीक के पार्ट में करना हो तो हम वायर से वगैरह कर सकते हैं, बट जब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है तब हमें डायरेक्ट इतने लंबे वायर लगाने नहीं आते हैं, उतना लंबा हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। तो सबसे पहला ब्लॉक है ट्रांसमीटर। इट इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सर्किट्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनपुट इंफॉर्मेशन इनटू एन इलेक्ट्रिक सिग्नल इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो ये एक सेट ऑफ कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का सेट है, जो इनपुट इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इनपुट में हम क्या देते हैं, मैसेज देते हैं, कोई डेटा देते हैं, बाइनरी कोड होता है या फिर ऑडियो वीडियो सिग्नल होते हैं, जिसको वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जो कि सूटेबल फॉर्म है उस सिस्टम के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। For example, in radio communication, the input is a sound wave. It is converted into electrical signal by using microphone. तो radio communication में input जो होता है वो sound होता है, उसे वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है यूजिंग माइक्रोफोन। अब ये कौन सा डिवाइस किस तरह से कन्वर्ट करता है वो हमने ट्रांसड्यूसर्स में देखा था। सिमिलरली टीवी कैमरा कन्वर्ट्स इमेजेस और लाइट्स इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल known as video signal. Another important function of transmitter is to process this electric signal like by modulation process. यहाँ पे और एक काम करता है ट्रांसमीटर, जो कि इस सिग्नल को वो मॉड्यूलेट भी करता है, यानी कि सिग्नल को अगर उसका एम्पलीट्यूड उसको बढ़ाना होगा, कम करना होगा, उसका मॉड्यूलेशन एज पर द फंक्शन वो कन्वर्ट कर देता है। The third important function is to radiate this modulated signal into the form of electromagnetic waves. फिर मॉड्यूलेशन करने के बाद उस सिग्नल को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करता है। Of course, this process is essential only in wireless communication. तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो वायरलेस कम्युनिकेशन में हो रहा है, यानी कि जो भी अभी हम डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे कि हमारा इंटरनेट, हमारे कम्युनिकेशन, रडार या फिर और दूसरे जो डिफरेंट डिवाइसेस है, उसमें क्या होता है वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी कि सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। तो बेसिकली ये जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है वो उसी पे बेस है। वो सिस्टम किस तरह से वर्क करती है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। इन केस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक टेलीफोन, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट्स वॉइस सिग्नल्स डायरेक्टली। तो टेलीफोन जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि जो भी ट्रांसमीटर जो सिग्नल ट्रांसफर करता है, वॉइस सिग्नल, वो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। दूसरा ब्लॉक है कम्युनिकेशन चैनल। इट इज अ मीडियम थ्रू विच ट्रांसमिटेड सिग्नल प्रोपोगेट विथ वेरी हाई वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये जो मिडल वाला ब्लॉक होता है वो होता है कम्युनिकेशन चैनल। तो जो भी ट्रांसमीटर से सिग्नल मिल रहा है वो इस मीडियम से, यानी कि इस ब्लॉक से हाई वेलोसिटी से प्रोपोगेट करते हैं, यानी कि मूव करते हैं। इन टेलीफोन सिस्टम अ पेयर ऑफ वायर्स और फाइबर ऑप्टिक केबल कैरियर्स दिस सिग्नल इफिशियंटली। इन केस ऑफ रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन, signals are transmitted in the form of electromagnetic waves. They propagate in all directions. तो टेलीफोन के सिस्टम में क्या होता है, वायर्स या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल्स से सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, यानी कि जो टेलीफोन है वो ये कम्युनिकेशन चैनल है। रेडियो या फिर टेलीविजन में क्या होता है, ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से तो ये इसमें जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो वेव्स जो है वो सभी डायरेक्शंस को एक साथ जाती है। व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम टू इंपॉर्टेंट थिंग्स हैपन। फर्स्ट इज द सिग्नल स्ट्रेंथ इज अटेन्यूएटेड, दैट इज रिड्यूस टू लो एम्पलीट्यूड एंड द नॉइज इज पिक्ड अप बाय दिस सिग्नल। तो इस कम्युनिकेशन चैनल में जब सिग्नल ट्रैवल कर रहा होता है तब यहाँ पे उसका जो एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस कर दिया जाता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और नॉइज भी कम हो जाता है। द टर्म नॉइज इज रिलेटेड विद अनवांटेड इंटरफेरेंस विद सिग्नल्स। इट मे बी ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक नॉइज जनरेटेड बाय कार इग्निशन, फ्रॉम लाइटनिंग, फ्लोरोसेंट लाइट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे नॉइज जो है इस पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में वो एक अनवांटेड इंटरफेरेंस है सिग्नल्स के लिए। ये जो नॉइज है वो क्रिएट कैसे होता है, जैसे कि कार इग्निशन से, या फिर जो लाइटनिंग होती है फ्लोरोसेंट लाइट की, या फिर अदर वेव्स होती है, उसके जरिए ये नॉइज यहाँ पे क्रिएट होता है। It may be due to components effect produced due to increase in temperature known as internal noise. या फिर internal noise भी होता है जो कि component के जरिए ही produce होता है due to the increase in temperature. When medium is used to carry information, it always carries noise. The noise problem is very difficult problem in communication system. It cannot be completely eliminated by conventional method. तो ये जो नॉइज है वो बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है और उसे हम पूरी तरह से एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। और कोई भी मीडियम जब भी इंफॉर्मेशन कैरी करता है तो उसमें नॉइज होता ही है, तो आपको मान के ही चलना है कि किसी भी सिग्नल में नॉइज कंपलसरी होता है और हमें इसे एलिमिनेट करना पॉसिबल भी नहीं है। थर्ड कंपोनेंट है रिसीवर, यानी कि थर्ड ब्लॉक है रिसीवर। तो द अदर एंड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज ऑलवेज रिसीवर। तो ये जो है ये लास्ट एंड होता है इस कम्युनिकेशन सिस्टम का। इट इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स एंड सर्किट वेयर रेडिएटेड और ट्रांसमिटेड सिग्नल्स आर रिसीव्ड थ्रू अ मीडियम and process to get desired information back in standard form। तो यहाँ पे इस रिसीवर के जगह पे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो जो भी हमने इंफॉर्मेशन इनपुट में दी है उसको प्रोसेस करके उसको प्रोपोगेट करता है, यानी कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाता है या फिर उसको ट्रैवल करवाता है और हमें रिसीवर के थ्रू वो इंफॉर्मेशन मिलती है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। For example, in telephone system, an earphone converts received signal into sound, while in television system, electrical video signals received and processed by means of demodulation and produces picture by using cathode ray tube। तो टेलीफोन में क्या होता है, अब ये जो हमारा मिडल वाला कंपोनेंट था कम्युनिकेशन सिस्टम का, वहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स रिसीवर को आते हैं, फिर रिसीवर में उसे फिर से डिकोड कोड किया जाता है, उसे नॉर्मल फॉर्म में लाया जाता है। जैसे कि टेलीफोन्स में अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट किया जाता है इस रिसीवर पॉइंट पे और हमें साउंड मिलता है। टेलीविजन में इलेक्ट्रिकल वीडियो को प्रोसेस्ड किया जाता है और हमें पिक्चर्स दिखते हैं। ये पिक्चर्स किसके जरिए दिखते हैं, तो हमारे जो टीवी में कैथोड रे ट्यूब होती है उसके जरिए। तो यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब रिसीवर का काम करती है, सिग्नल को डिमोड्यूलेट करती है और हमें पिक्चर्स दिखाती है। इन वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम द रिसीवर क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी रिसीवर परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस। तो रिसीवर की क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और उसके कुछ फंक्शंस देखते हैं। अब फर्स्ट है इंटरसेप्शन बाय यूजिंग एंटेना, सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड सिग्नल्स बाय यूजिंग ट्यून्ड सर्किट एंड अ मिक्सचर सर्किट। हमारे रिसीवर को कौन सा सिग्नल बराबर से लेना है, हमें कौन सा डिस्प्ले पे दिखाना है, उसके लिए भी एक परफेक्ट ट्यून्ड सर्किट होना जरूरी होता है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ द सिलेक्टेड सिग्नल्स बाय आरएफ एम्पलीफायर एंड आईएफ एम्पलीफायर। तो जो भी सिग्नल्स रिसीवर में आते हैं वो उसे फिर से एम्पलीफाइड करता है और फिर हमें दिखाता है। डीमोड्यूलेशन और डिटेक्शन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन बाय डीमोड्यूलेटर सर्किट। एम्प्लीफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड सिग्नल यूजिंग एएफ एम्पलीफायर। कन्वर्जन ऑफ सिग्नल इनटू स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म बाय लाउडस्पीकर। तो इस तरह से जो भी सिग्नल्स कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए रिसीवर में आ रहे हैं उसको फिर से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना रिसीवर का काम होता है। तो इसके लिए वो डीमोड्यूलेशन प्रोसेस करता है, सही ट्यून्ड सिग्नल पकड़ता है, सही वेव को पकड़ता है, फिर उसे एम्पलीफाइड करता है। उसके लिए डिफरेंट एम्पलीफायर्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं और हमें परफेक्ट सिग्नल डिस्प्ले पे दिखता है या फिर साउंड के जरिए मिलता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उसके जरिए वो मिलता है। ये थी कम्युनिकेशन सिस्टम की एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम और उसके ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।